हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू और सोया बड़ी की सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, ये देखिए, इसको मैंने छील कर और इसको अच्छे से धोकर इसको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर सोया बड़ी, इसको मैंने गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है, ये देखिए। और यहाँ पर इसके पानी को मैं अच्छे से निकाल लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। इसमें हमें पानी नहीं रहने देना है। ये देखिए, मैंने सारे सोया बड़ी की पानी अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से सोया बड़ी का पानी निकाल लिया है। अब आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए। उबालते समय मैंने आलू में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। मैंने सारे आलू को अच्छे से काट लिया है। अब चलिए गैस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को इस पर रख देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, तेज़पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च लिया है, इसको भी इसी में तोड़ के डाल देंगे। और हल्का भून लेंगे। तेज़पत्ता, हरी मिर्च और जीरा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को बारीक काट लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक आइए मसाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें पानी लेंगे और मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है और एक बार इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी गल चुका है, ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए हम चलाएंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसमें आप मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और हिलाकर इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो आइए मसाले को एक बार देख लेते हैं। मसाला हमारा भी उतना अच्छा नहीं भुना है, इसको और थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। मसाला किनारों पे तेल छोड़ चुका है, ये देखिए, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें आलू को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, सोया बड़ी को भी इसी में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से हो चुके हैं और सब्जी भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें पानी डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए सब्जी को ढक देते हैं और सब्जी को पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। अभी सब्जी में हल्का पानी है, पानी को थोड़ा सा और सूखने देंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। तो चलिए सब्जी को फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें अब हम धनिया पत्ती डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हमें कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको आलू और सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।